नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अगेन मनोविज्ञान वन लाइनर पार्ट टू। बहुत ही शानदार है, पूरी किताब हमने वन लाइनर में ले रखी है, इसका ये पार्ट टू है। चलिए शुरू करते हैं। बौद्धिक मंडल का ढांचा गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया। जड़ बुद्धि 25 से कम होती है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है। थांडई के अनुसार बुद्धि तीन प्रकार की होती है। थर्स्टन ने सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया। कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण डॉक्टर C.M. भाटिया ने किया। प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से 19 बताई गई है। अनुकूलन अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व जन्मजात होता है। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिवो न्यूक्लिक एसिड। शिक्षण के स्तरों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया है, हर्बर्ट शिक्षण उपागम, मॉरिसन शिक्षण उपागम और हंट शिक्षण उपागम। शिक्षण प्रतिमान के चार मूल तत्व होते हैं, लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होते हैं। प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान यानी मनोवैज्ञानिक डेविड आसुबेल ने दिए थे। पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान जे रिचर्ड सचमेन ने दिया था। सहकारी उपागम प्रतिमान वॉटसन, शॉ, ऑलपोर्ट ने दिया तथा इसका समर्थन दार्शनिक जॉन डीवी व मनोवैज्ञानिक कुर्त लेविन ने किया था। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान शेनन ने दिया था। शिक्षण पद्धतियों के दो भाग हैं, प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक। अभिक्रमित अनुदेशन कार्यक्रमित अधिगम पद्धति स्किनर ने दी थी। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर। ग्रीनविच विद्यालय में सन 1961 में तल शिक्षण का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अन्वेषण पद्धति आर्मस्ट्रांग की है। प्रायोजना पद्धति किलपैट्रिक की है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन 1965 में लॉरेंस स्टलरो व डेविड डेनियल डेविस ने दिया था। शैक्षिक तकनीकी प्रथम यानी हार्डवेयर, इसमें कंप्यूटर आते हैं। द्वितीय है दोस्तों, द्वितीय शैक्षिक तकनीकी द्वितीय सॉफ्टवेयर और शैक्षिक तकनीकी तृतीय सिस्टम अप्रोच। हर्बर्ट स्पेंसर उपागम स्मृति स्तर पर आधारित है, इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है। मॉरिसन शिक्षण उपागम बोध स्तर पर आधारित है, इसमें छात्र प्लस शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। और हंट शिक्षण उपागम चिंतन स्तर पर आधारित है, इसमें छात्र क्रियाशील तथा शिक्षक का स्थान गौण होता है। अधिगम धारणा प्रत्यास्मरण ये स्मृति की अवस्थाएं हैं। एपिडाइस्कोप अंधेरे कमरे में प्रयोग होता है छोटों को बड़ा करने में। ट्रांसपेरेंसी में ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रयुक्त किया जाता है। इकाई शिक्षण विधि का प्रवर्तक H.C. मॉरिसन है। इकाई शिक्षण का प्रमुख तत्व पूर्ण ज्ञान है। पाठ योजना के 505 पंचपदी को हर्बर्ट ने प्रस्तुत किया। प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान है। अभिक्रमित अनुदेशन स्वाध्याय प्रवृत्ति है। चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने में फ्लेनल बोर्ड काम होते हैं। प्रोजेक्ट विधि में करके सीखो का नियम काम आता है। अभिक्रमित स्वाध्याय के जनक स्किनर माने जाते हैं। व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व शिक्षार्थी को अभिरुचि परीक्षण कराना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियां पर्दे पर प्रक्षेपित तथा अप्रक्षेपित रूप में वर्गीकृत की जाती है। संप्रेक्षण के दो पक्ष होते हैं तथा प्रकार भी दो होते हैं। संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए एडगर ने अपने शंकु में प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभवों पर बल दिया। शिक्षण मशीन सिद्धांतों पर आधारित है अभिक्रमित अनुदेशन वाले। पैनल चर्चा में सदस्यों की संख्या 4 से 10 होती है।
एडवर्ड हार्कनेस द्वारा हार्कनेस मेथड दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विजुअल एजुकेशनल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में नेल्सन आई ग्रीन द्वारा किया गया। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान कहलाती है। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान फ्लेंडर ने दिया। संप्रेषण के दो पक्ष हैं, संप्रेक्षण और संप्रेषी। अनुभव का त्रिकोण यानी शंकु का सिद्धांत एडगर डेल ने बनाया। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप के तीन आधारभूत तत्व हैं, अदा लागत निवेश इनपुट, प्रक्रिया संसाधक प्रोसेस और प्रदा आउटपुट। लुम्स डेने ने 1964 में शैक्षिक तकनीकी के तीन रूप बताए। मानवीय ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं, संचय प्रसारण और विकास। प्रणाली उपागम के मूल तत्व हैं, अदा प्रक्रिया प्रदा और परिवेश। लॉरेंस स्टेलरो द्वारा तथा डेनियल डेविस ने कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान 1965 में विकसित किया। एटकिंसन ने 1968 में बालकों की वाचन योग्यता के लिए कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का प्रयोग किया। CAI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड इन्फॉर्मेशन। CAL यानी कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग। CALT कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग एंड टीचिंग। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रदाता का पता होता है। MIPS से कंप्यूटर की गति मापते हैं। ALU गणना के प्रति उत्तरदायी है। CAI कंप्यूटर को शिक्षक का रूप देता है। संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के तीन आधारभूत तत्व हैं, लागत प्रदा और संसाधक। ROM नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, 1 MB डाटा संग्रह के लिए फ्लॉपी उपयुक्त रहती है। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर लेज़र प्रिंटर काम करता है। DSDD डबल साइडेड डबल डेंसिटी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। चुंबकीय टेप एक सीधा अधिगम है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों, और भी हम आपको पूरी मनोविज्ञान करवाएंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।